अल्लाह ताला ने अपने अंतिम और लास्ट रसूल को जो दुनिया में भेजा, मक्का में भेजा। ये जमानत अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कत आईसोन, अल्लाह ने मक्का में नबी जी को जन्म दिया। ओए जमानर ये हालत हासिल मक्कर खास करिया ये हालत तारीख हिस्ट्री किताबें भित्रे लिखा से कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कत आईसोन और ओए जमानत मात्र सत्रह जन मानुष ओए रकम असला जो लिखना पढ़ना जानते थे, शिक्षित मानुष मक्कर भित्रे मात्र सत्रह जन। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करिया मक्का ताकि मदीना शरीफ के सुन मदीना जावर पूरे जब वहाँ का हिसाब लिया मालूम किया मदीनार हाल तो आर बुरा, पूरा मदीना मात्र 11 जन मानुष ओला असला जो लिखना पढ़ना जानते थे जार खासे शिक्षा हासिल और बाकी सब मानुष अशिक्षित जाहिल अनपढ़ असला। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओला ओ शिक्षित जमानात अनपढ़ जमाने में अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुनिया में भेजा। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियात आईसोन, अल्लाह बयान खोरसोन के नबी जी दुनियात जावर फोरे चैट्टा काज खास कोरिया खोरसोन यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद इमने तो बहुत काम, सब लोगों को दीन की दावत देना, ईमान की तरफ बुलाना और कलमे की दावत देना, वो तो अपनी जगह पर, किंतु शिक्षा के लाइन में, एडुकेशन तालीम के लाइन में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किता खास कर सुन यतलू अलैहिम आयातिही। नबीर एक नंबर काम के अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आते थे, नबी जी को सुनाते थे और वही सिलसिला शेष ओवर पूरे नबी जी सहाबे किराम को बुलाकर यतलू अलैहिम कुरान की आयत कुरानेर आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के सामने पढ़ते थे और नबी जी खुद याद करते थे, निजे याद करता और सहाबे किराम कुरान की आयत को सुनकर याद भी करते थे, मुखस्तो भी करते थे और कोई पत्ता के ऊपर, हड्डी के ऊपर, काठेर ऊपरे लकड़ी के ऊपर कुरान की आयत को लिख लेते थे, जो लिखना जानते थे वो लिख लेते थे। कुरान करीमेर आयत तिलावत हो ले नबी जी तिलावत खुरसुन, सहाबे किराम कुरान करीम तिलावत खुरसुन, अमरा जुदी कुरान करीम तिलावत खोरी ते अमरा की फाइमू। ओ सम्पर्के अमी एकटा हदीस बयान करसी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बारारा। जो आदमी जे मानुष्टा खूब सुंदर हिसाबे कुरान तिलावत करे, जे रकम ओ थोड़ा आगे कारी साहब कुरान तिलावत करसन, जे सुंदर तिलावत करसन माशाल्लाह, ए अपनार आर करोई उनी मदरसार छात्र हाफिज जी कारी साहब मौलाना साहब कुरान करीम एक बारे शुद्ध तिलावत करे, बा अपनारा जरा मकतबो किया फोरसन, मकतब में इमाम साहब ने मौलाना साहब ने पढ़ाया, शुद्ध कुरान पढ़ने का सिस्टम और तरीका सिखाया बताया, तो जो आदमी शुद्ध हिसाब से बढ़िया से कुरान पढ़ता है एक न एक दिन तो मारा जाएगा, कभी न कभी तो मौत आएगी। मरा जावर फोरे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला मा सफरतिल किरामिल बरारा, जे जन्नतो अल्लाह ताला फरिश्ता को जगह देगा, जिस जन्नत में अल्लाह फरिश्ता को जगह देगा कुरान पढ़ने वाले को, शुद्ध और सुंदर हिसाब से कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उसी जन्नत में जगह दान करेगा। अमरा जदि शुद्ध हिसाबे कुरान फोड़ी, तो इंशाल्लाह जो जन्नत फरिश्ते के लिए होगी वही जन्नत हमारे और आपके लिए भी होगी। किंतु
আমরা যদি শুদ্ধ হিসাবে আর খুব সুন্দর হিসাবে কোরআন তেলাওয়াত করতাম পারি না, বচপনের জমানত কোরআন কোরআনের শিক্ষা হাসিল করছি না, বাদে জামাতও গেলাম, জামাতও যাওয়ার পরে একটা শখ পয়দা হয়েছে আর আইয়া এখন কোরআন পড়া আরম্ভ করছি, মসজিদ মে মকতব মে যাহা ভি হো কোরআন পড়না আরম্ভ কিয়া। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কই শুন, ওয়াল্লাযী ইয়াকরাউল কোরআন ওয়া ইয়াতাতাউ ফীহি ওয়া হুয়া আলাইহি শাক, কোন মানুষ যদি ওলা আসে কে খুব সুন্দর হিসাবে কোরআন পড়তে পারে না, বয়স বেশি হো গিয়া, উসকে বাদ যাকর কোরআন পড়না সিখা, আব তো জবান ভারী হো গিয়া হ্যায়, জবান সে বড়িয়া সে শুদ্ধ উচ্চারণ নেই হো পাতা হ্যায়, কোরআন পড়তা হ্যায় কোরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু শুদ্ধ হিসাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। ওয়াল্লাযী ইয়াকরাউল কোরআন ওয়া ইয়াতাতাউ ফী, দম লে লেকর রুক রুক কর আটক আটক কর কোরআন পড়তা হ্যায়। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, বুড়া আদমি হ্যায় কোরআন পড়না কিসি তরহ সে কোরআন পড়তা হ্যায়, ইয়াতাতাউ ফী, দম লে লেকর রুক রুক কর ও কোরআন পড়তা হ্যায়, ওয়া হুয়া আলাইহি শাক, কোরআন পড়লে বড় কষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইছেন, আমার ভাই ও বুজুর্গ আর দোস্ত কইছেন, লহু আজরান, যো আদমি কোরআন কষ্ট করকে কষ্ট বরদাশত করকে দম লে লেকর পড়তা হ্যায়, আল্লাহ তাআলা উসকো ডবল সওয়াব দেগা, দুই গুণ বেশি সওয়াব পাইবা, দুই গুণ বেশি সওয়াব পাইবা, এক তো কোরআন পড়ার সওয়াব আর দুই নম্বর ওই লোক কষ্ট বরদাশত করার সওয়াব, তো ডবল সওয়াব মিলেগা। ইসি কারণ সে হর জমানে মে, হর জমানে মে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সে লেকর আজ পর্যন্ত বচ্চে লোগোঁ নে ভি কোরআন কো পড়া, বচ্চোঁ নে ভি কোরআন কো তিলাওয়াত কিয়া, কোরআন কো ইয়াদ কিয়া, হাফিজ বানা, আর বুড়ে লোক ভি, বয়স বেশি হয়ে গেছে এখন কোরআন হিফজ করতাম, কোরআন হিফজ করার একটা শখ পয়দা হয়েছে, বুড়ে বুড়ে আদমিও নে ভি কোরআন কো ইয়াদ কিয়া, কোরআন কা হাফিজ বানা।